भारत का ये कारनामा देखकर रूस भी हैरान रह गया। भारत अपने सुखोई फाइटर जेट को कर रहा है अपग्रेड। अगले 30 सालों तक दुश्मनों को आसमान में चटाएंगे धूल। दोस्तों, भारत अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को और भी शक्तिशाली बनाने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय ने 84 सुखोई जेट के पहले बैच को अपग्रेड करने के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस अपग्रेड के बाद ये सुखोई जेट अगले 30 साल तक आसमान में दुश्मनों को धूल चटा सकेंगे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस अपग्रेड में जेट में एडवांस रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी कई खूबियां जोड़ी जाएंगी। इसके बाद ये सुखोई जेट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को टक्कर दे पाएंगे। और यही नहीं दोस्तों, ये अपग्रेडेड सुखोई जेट 2055 तक उड़ान भरते रहेंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जबकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट होते हैं। ऐसे में इन सुखोई जेट का अपग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL अगले 15 साल में इन 84 सुखोई जेट को अपग्रेड करेगा। CCS से मंजूरी मिलने के बाद उसके डिजाइन और विकास में 7 साल लगेंगे। इसके बाद जेट को बैचों में अपग्रेड करके वायु सेना में शामिल किया जाएगा। भारत के पास अभी 259 सुखोई जेट है जो उसकी लड़ाकू क्षमता की रीढ़ है। इसमें से ज्यादातर जेट HAL ने रूस से लाइसेंस लेकर बनाए। इसके अलावा दुर्घटनाग्रस्त हुए जेट की भरपाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए में 12 नए सुखोई जेट और उनके उपकरण खरीदे जा रहे हैं। एक अन्य सूत्र ने बताया, अगले 15 साल में भारत के पास खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसकी तकनीक का इस्तेमाल पहले 84 जेट के बाद अपग्रेड किए जाने वाले सुखोई जेट में किया जाएगा। इस अपग्रेड में सुखोई जेट में स्वदेशी AESA रडार लगाए जाएंगे, जो मौजूदा रडार की तुलना में 1.5 से 1.7 गुना ज्यादा दूरी तक दुश्मन के विमानों का पता लगा सकेंगे। इसके साथ ही जेट में लंबी दूरी तक मार करने वाले अस्त्रा 3 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाए जाएंगे, जो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। वायुसेना अभी 100 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्रा 1 मिसाइलों को शामिल कर रही है। वहीं DRDO 160 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्रा 2 और सॉलिड फ्यूल डक्टेड वाली अस्त्रा 3 मिसाइल विकसित कर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लाई बाई वायर सिस्टम को छोड़कर अपग्रेड किए गए सुखोई जेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस स्वदेशी होंगे। इसमें बेहतर एल्गोरिदम वाले 3 मशीन कंप्यूटर शामिल हैं। कुल मिलाकर अपग्रेड किए जाने वाले 51 सिस्टम में से 30 HAL द्वारा, 13 DRDO द्वारा और 8 निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाएंगे। अभी 40 सुखोई जेट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता को पहले ही 290 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है और जल्द ही इसके 800 किलोमीटर वाले वर्जन को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद ये एक बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट बन जाएंगे। इसके अलावा इसमें HSLD बम को भी फिट किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बम है, इन्हें भी इसी के अंदर लगाया जाएगा। इस तरह से हमारा प्लेन तो वही रहेगा, लेकिन हमने उसमें जो सारे इक्विपमेंट लगाए हैं उसके साथ हम चीन की बराबरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो सिर्फ 10 या 15 साल के अंदर भारत एयरफोर्स के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में जाकर जय हिंद जय भारत एक बार जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।